हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस वेल। अभी हम डिस्कशन करेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फॉर द 2020 के लिए। ये हमारा पार्ट टू है फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर 2019। ओके, सो ये पार्ट टू में पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, इसमें 50 एमसीक्यूज है। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या है। आयरन यूनियन 12 जो है ज्वाइंट मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन द ग्राउंड फोर्स ऑफ द व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री के साथ। सो आंसर हियर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट। ओके, ए इज द आंसर हियर। सो ये एक जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज है जो कि ये कहाँ पे ना कमेंस हुआ था 10 दिसंबर 2019 को। ओके, सो इसी एक्सरसाइज में क्या हुआ था ना, एक्सरसाइज स्पेयरिंग ऑफ फ्यू वीक्स हुआ था इसमें। एंड एक्सरसाइज का जो मेन एम था ये था मिलिट्री कोऑपरेशन टू एनहांस कॉम्बैट एंड टेक्टिकल जो है कैपेबिलिटी। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ओन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जगह मिशन। सो इसके बारे में देखेंगे, जगह मिशन के बारे में देखेंगे। तो ये उड़ीसा का है, डी। ओके, सो जगह मिशन जो है ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा हुए। ओके, इसका जो एम है ट्रांसफरिंग द स्लम्स इनटू द लिवेबल हैबिटेट विथ ऑल द नेसेसरी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एट पर बेटर ऑफ एरिया विद इन द सेम अर्बन लोकल बॉडी। ओके, कंटिन्यूसली इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एक्सेस टू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो थर्ड जो है, थर्ड इन द जो है 2019 का जो एक्सरसाइज है इसके बारे में है। एक्सरसाइज इन द 2019 मिलिटरी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री के साथ, ये है रशिया के साथ। ओके, सो इसके बारे में देखेंगे। ये एक कंडक्टेड हुआ है इंडिया में जो कि 10-19 दिसंबर में हुआ है, जो कि पुणे एंड गोवा में दोनों जगह पे हुआ था। ओके, इन द एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। इसका जो मेन एम है सो कम्बैटिंग द इंसर्जेंसी अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज कंडक्टेड इन झांसी उत्तर प्रदेश। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इन मिनी रत्न एंटरप्राइजेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, देन IREDA एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, एस्टैब्लिश नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो हियर द बोथ वन एंड टू आर करेक्ट हियर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पोपिकोंडा नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे, लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो हियर द आंसर इज आंध्र प्रदेश। इसके बारे में देखेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एक्सपर्ट फ्रॉम द केरला एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ये सर्वे किए है बटरफ्लाई स्पेसिस क्या। सो इसलिए क्या न्यूज में था ये इन दिसंबर में। सो इसका जो है एरिया देखेंगे तो 1012.86 स्क्वायर किलोमीटर से ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, सो सिक्स नंबर क्वेश्चन, ताज ट्रॉपेजियम जोन के बारे में देखेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इट कंप्राइजेस मोन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द थ्री ताज महल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सिकरी। जियोग्राफिकली लिमिटेड ऑफ ताज ट्रॉपेजियम जोन इंक्लूडिंग द आगरा डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इन द भरतपुर जो है डिवीजन ऑफ राजस्थान। बोथ वन एंड टू आर करेक्ट है। सो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये न्यूज में किस लिए था ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था जो कि रेस्पॉन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिटिगेशन सीकिंग टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फ्रॉम द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया था क्योंकि 400 जो है ट्री है उसको कट करने के लिए बोला था। ओके, सुप्रीम कोर्ट परमिटेड दिया था नॉर्दर्न रेलवे को जो कि कट करने के लिए 400 ट्रीज को कहाँ पे ना, ताज ट्रॉपेजियम जोन में। सो देट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रेल ट्रैक बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा के लिए। ओके, सो इसलिए न्यूज में था। सेवन नंबर क्वेश्चन, बोगेन वैली जो आइलैंड है ये रिसेंटली न्यूज में था। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो इट इज अ मेनलैंड ऑफ द ऑटोनोमस रीजन ऑफ द बोगेन वैली ऑफ द पापुआ न्यू गिनिया। ओके, इट इज लार्जेस्ट ऑफ सोलोमन आइलैंड आर्किपेलागो। ओके, आइलैंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट। सो हियर द आंसर ऑल आर करेक्ट हियर, थ्री इज द आंसर, डी। एट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेनिंग एक नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेनिंग है, इज अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। हियर द आंसर इज ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो गवर्नमेंट जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेनिंग हैज एक्सटेंडेड टू मार्च 2020 ड्यू टू द स्लो प्रोसेस। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। नाइन नंबर क्वेश्चन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर के बारे में देखेंगे, प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है लॉन्च इन 2009 एंड नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है
will continue to court terminus with the 14th finance commission cycle till the 2020 tak. Both 1 and 2 are correct. See, 10 number question, National Pharmaceutical Pricing Authority ke bare mein dekhenge. So it is an independent body under the Union Ministry of Chemical and Fertilizers. It's a function to deal with all the legal matters arises from the out of decision of the authority. Here the answer is both 1 and 2. See, हमनतोड़ा पोर्ट के बारे में देखेंगे. हमनतोड़ा पोर्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज में था इन द दिसंबर. हमनतोड़ा पोर्ट है, ये कहां पे है ना, लोकेटेड इन हुजम द श्रीलंका में. ओके, हमनतोड़ा पोर्ट इज ए मैरीटाइम पोर्ट है इन श्रीलंका. द फर्स्ट फेज ऑफ द पोर्ट इज ओपन 18 नवंबर 2010 एंड फर्स्ट सेरेमोनियल जो है नावल शिप जो है जेटलिन नाव टू यूज द पोर्ट फैसिलिटेटेड. देन श्रीशैलम डैम के बारे में देखेंगे. रिसेंटली न्यूज है श्रीशैलम डैम जो है okay, is built on the which of the following rivers? So here the answer is Krishna river. So Sisalam dam ke bare mein dekhenge, constructed across the Krishna river in the Andhra Pradesh. So it is located in Nalamala hill ke paas hai ye. Krishna river is the second biggest river in the peninsula India after the Godavari ke baad mein. Very important hai Sisalam, jo Sisalam dam hai kahan pe na, Krishna river. Okay, so 13 number question, trachea ke bare mein dekhenge. Ek unique code baad barcoding software adopted by which of the following state? Here the state, okay, Haryana is the state which has taken the adopted the this one trachea. Trachea is a unique barcoding system. Okay, Haryana police ne liya hai isko, adopted kiya hai. So 14 number question dekhenge. 14 number question mein diya hai Ajanta ke bare mein. Ajanta caves is located in Maharashtra. Yes, painting of sculpture of the Ajanta considered a masterpiece of the Buddhist religion, sir. Yes, Ajanta caves were designed UNESCO World Heritage Site from the site in the 1983. Okay, so 1, 2, 3 are correct. D. 15 number question. Bisek declaration is conserved which of the following animals? So Bisek ke bare mein dekhenge. Ye actually news mein tha for the snow leopard ko protect conserve karne ke liye. Theek hai, see. Then 16 number question, government instant messaging system mein ke jo ki news mein tha, correct statement kaun sa hai? Designed and developed by the National Informatics Center. Yes, and design it is packaged employees of the central and government department organization in intra and inter organization communication. Yes, both 1 and 2 are correct here. See, 17 number question, stand out ke bare mein dekhenge, seen in news. Okay, so related to which one of the following software vaccine, a wild lizard and bug? It is a bug. Ye kya hai, standard jo ho gaye bug hai. Ye ke vulnerable to allow the sophisticated malware attacks karta hai jo ki device ko. Okay, ek android operating system hai. 18 number questions, crystal award jo award hai isko awarded by the which of the one of the following institution? Crystal award ke bare mein hum dekhenge. So isko kaun karta hai na, world economic forum karta hai. A. 19 number questions, so which nation topped WEF gender gap index from 2019? So here the answer is B is the answer, Iceland. 20 number question, national electronic fund transfer ke bare mein dekhenge. NEFT jo hai ek fund transfer hai, system mein maintained by the RBI. Yes, NEFT enables a bank customers in India to transfer the funds between the two NEFT enabled bank accounts on the 1-to-1 basis. Yes, both 1 and 2 are correct. 21 number question, bipolar zone ke bare mein dekhenge. Following state ka hai, kaun sa hai? Maharashtra hai. D. 22 number, National Institute of Nutrition ke bare mein dekhenge. Ye jo the institution is one of the oldest research centers in India and the largest center under the Indian Council of Medical. Okay, it was founded in a very inquiry unit. So both 1 and 2 are correct here. So ye kahan pe hai na, Hyderabad Telangana mein hai, National jo hai Institute of Nutrition. Okay, nutrition. Okay, so 23 number, which state has topped UN Sustainable Development Goals index for the 2019-2020? Here the answer is C, Kerala. Who stayed secured the first position in the recent release India Forest of the India State of the Forest Report 2009? Highest growth in the forest area in country of which state? So here the answer is D, Karnataka.
45 नंबर का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में कि लोकेटेड नहीं कहां पे बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में। हॉर्नबिल के बारे में देखिए, हॉर्नबिल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। यस, ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश। द आंसर इज रॉन्ग बिकॉज़ केरला में तो है बट ये जो आंध्र प्रदेश है गलत है, ये कर्नाटक है। ओके, सो हियर द आंसर मिस्टेक हियर। इट इज देन थर्ड स्टेटमेंट इज evaluate as vulnerable on the IUCN red list threatened species. Yes, 1-3 are correct. Yes, C is the answer. 27 number questions, national seismic program ke bare mein dekhiye. It was launched 2016 to trace the hydrocarbon resources like oil, natural gases under the high resolution 2D seismic acquisition process and intervention. A survey will be conducted across India. So both 1 and 2 C. 28 number question, so which is the name of the ISRO's first solar mission? So here the first jo solar mission jo hai ISRO ka, now here Aditya L1 D. Okay, GEM Sambad seen recently news in related to which of the following here the answer is from what awareness about the government of e-marketplace. 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर देखेंगे होबारा बस्टर्ड के बारे में देखेंगे। ये होबारा बस्टर्ड जो है एक IUCN रिकग्नाइज्ड टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज ऑफ होबारा बस्टर्ड फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। ओके, IUCN स्टेटस देखेंगे ये बोलने बोले। सो हियर द आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। एक्चुअली ये इसके बारे में देखेंगे होबारा जो बस्टर्ड के बारे में, ये क्या है आज ये एक लार्जर देता है एंड टेरिस्टोरियल बर्ड देता है जो बिलोंग टू सेवरल स्पीसीज इंक्लूडिंग सम ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग जो बर्ड देता है। ओके, सो टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज है जो कि नॉर्थ अफ्रीका है एंड एशिया है, ये सही है। हैबिटेंट एंड हैबिटेंट ऑफ एशियन जो होबारा देखेंगे, ये पॉपुलरली एशियन होबारा बस्टर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एशिया अक्रॉस द सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट एंड अरेबिया पेनिनसुला to reach the Sinai okay desert means Egypt mein. Okay, 31 number question, which jo artillery missile system is successfully DRDO recently Chandipur Odisha se. So here is the answer is Pinaka 2. Pinaka 2 jo hai ek iske bare mein dekhenge, a is the answer. Yeah, Pinaka 2 ek multi rocket launcher hai produced in India and developed by the DRDO. Balimela reserve par dekhenge is the river. River in Sileru is located which of the following state? Odisha. So Balimela reserve is located in Malkanagiri ek jagah hai jo ki Odisha mein. Okay, so wahi pe jo ki river Sileru which is a tributary of Godavari, very important hai. Okay, Sileru jo hai a tributary of kiska hai, Godavari ka. FAME India phase 2 hai, the scheme is expanded under the version of the present scheme title FAME India 1. Okay, which was launched in 2015. FAME India ke bare mein dekhenge, national electric mobility mobility mission plan implemented by the Department of Heavy Industry. So here the answer is C, both 1 and 2 are correct here. So Union Cabinet chaired by the Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal for implementation of the scheme titled jo faster adoption manufacturing of electric vehicle in India. So ye hai FAME India phase 2. So 34 नंबर के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में हम देखेंगे। ओके, सो ये जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो मोर देन 80 मेंबर्स है, यस इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नो, इट इज रॉन्ग हियर बिकॉज़ यहां पे चाइना आएगा। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइड, ये कैसे हो सकता है, ये भी रॉन्ग है। सो हियर द आंसर इज ए because USA भी है। ओके, सो बहुत सारे कंट्रीज में USA है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ओके ग्रीस है। 35 नंबर क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज सिलेक्टेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। ओके, ए इज द आंसर योर। Here the answer is it refers to communication technology. What is the difference between LTE and VoLTE? LTE एक common marked as 3G and VoLTE is the common marked advance of 3G. Here the answer is the okay. And LTE is data only technology, VoLTE voice only. So voice कैसे हो सकता है, only voice तो होगा उसके साथ data भी होगा। Okay, here difference मैं बताऊंगा। VoLTE जो है एक network है जो कि support करता है both voice and data. Okay, so second statement जो wrong हो गया। So पहला statement दे LTE is commonly LTE is commonly marked as 3G. ये 3G नहीं है, 4G LTE. Okay.
Okay, D is the answer, yes. 37 number, which one of the following is not a sub-index of the World Bank's ease of doing business index? So here the answer is maintenance of the law and order. ये बहुत important question है क्योंकि और जितने तीनों है paying taxes, registered property, dealing of construction permit ये सब है ease of doing business index में. So okay, ये नहीं है maintenance law and order. 38 number question चावर port के बारे में देखें. चावर port जो important है very important है because चावर port यहाँ पे दिया eastern Pakistan में south south eastern Pakistan में no ये Pakistan में नहीं है ये कहाँ पे ना ये Iran में okay. So ये गल्फ इट लाइज गल्फ ऑफ लोकेशन इज लाइज ऑन द गल्फ ऑफ ओमान यस द पोर्ट प्रोवाइड्स एक्सेसिबल टू द रिसोर्सेज मार्केट इन लैंडलॉक अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया सो हियर द 2-3 आर करेक्ट इट मींस बी इज द आंसर हियर 39 नंबर क्वेश्चन बंदीकूट के बारे में देखेंगे इंडिया का फास्ट मैन होल क्लीनिंग रोबोट है जो कि अंदर जाके क्या है ना मैन होल में जाके साफ करेगा जो कि ह्यूमन वहां पे बहुत ही प्रॉब्लम होता था जाके मर जाते थे ओके प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लीमेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स ओके एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट केम इन द फोर्स इन 2013 ओके सी इज द आंसर हियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन बारे में सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन इन द यूरोपियन यूनियन सो हियर द आंसर इज 1 एंड 2 मींस बोथ 1 एंड 2 सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यस दिस इज राइट फर्स्ट जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये फाइनेंस मिनिस्टर है एज पर दट आर्टिकल नंबर 279 ए अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल विल बी जॉइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ये सही है ओके सो हियर द आंसर इज सी 1 एंड 3 42 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस जो है साइन बाय इंडिया द यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स 1961 कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 कन्वेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988 सो हियर द आंसर इज 1 2 3 एंड डी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डब्ल्यूटीओ ओके यहां पे नॉट ट्रू दिया है मींस ट्रू नहीं है रॉन्ग है So WTO is a permanent organization. Uruguay round gave the birth to the WTO. Minister Conference of Highest Policy making the body of WTO. WTO jo hai 1st January 1999 hua tha. So here the answer is D because ye hi wrong hai. Kyunki 1995 mein hua tha. Okay, so answer is D here. 43 mission Kakatiya was launched in which of the following state? Because iske bare mein dekhenge. Okay. मिशन काकतीय के बारे में देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है आंसर इज ये तेलंगाना है सो ये इसको द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज डिसाइडेड कंडक्ट इन डेप्थ स्टडी टू एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ डिसैलिनेशन ऑफ अ टैंक टेकन ऑन द मिशन काकतीय प्रोजेक्ट 45 ट्रैवल टूरिज्म कॉम्पिटेटिव जो है कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट बाय रिलीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए डब्ल्यू एफ सो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिशन के बारे में देखेंगे ये डेवलप बाय द रिप्लेस आकाश मिशन डिफेंस सिस्टम कैपेबल ऑफ हीटिंग अप लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यस बोथ वन टू सी 47 क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ओके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर यस बोथ वन टू आर करेक्ट ओके 48 नंबर क्वेश्चन माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर के बारे में लिखे माइक्रो डॉट इज ए टैक्स और इमेज टू प्रिवेंट द डिटेक्शन बाय द ऑन इंटेंडेड रिसिप्टेंट्स ओके These micro dots cannot be read physically with a microscope, only identified ultraviolet light source. Okay, both 1 and 2 are correct. Nandankanan Zoological Park के बारे में देखेंगे ये उड़ीसा में है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में देखेंगे इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इट हैज द इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ओके बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट सी दैट्स ऑल थैंक यू